हेलो व्यूअर्स, बिंग क्यूरियस अबाउट स्पेस। मेरे माइंड में हमेशा दो सवाल आते रहते हैं कि आखिर ब्लैक होल के अंदर क्या होता है और ब्लैक होल को एक्चुअल में ब्लैक ही क्यों कहा जाता है। अगर आप भी इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, बेशक रखते होंगे तभी आपने इस वीडियो को खोला है, तो ये दो सवाल आपके भी दिमाग में जरूर आए होंगे। तो चलिए इस वीडियो में डिकोड करते हैं इन दोनों सवालों का आंसर। व्हाई ब्लैक होल इज कॉल्ड ब्लैक and what is inside a black hole? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कब देख पाते हैं, जब उस पर से लाइट रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों तक वापस आती है, तब हम उस चीज को देख पाते हैं। लेकिन ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि उससे लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी वापस इमिट होके नहीं आ पाती हैं, जिसकी वजह से वो हमें ब्लैक अपीयर होता है और सिंपली हम लोग उसे ब्लैक होल कहते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों, जैसा कि सब यूट्यूबर कहते हैं, मैं भी कह देना चाहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो में मजा आ रहा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ कि व्हाट इज इनसाइड अ ब्लैक होल। दोस्तों, साइंटिस्टों के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर ब्लैक होल एक्चुअल में होता क्या है। क्या ये एक्चुअल में कोई होल वोल होता है? नहीं दोस्तों, ब्लैक होल एक्चुअल में कोई होल नहीं होता है। दोस्तों, ब्लैक होल एक तरह का स्टार है, एक तरह का मरा हुआ स्टार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि स्टार्स की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने आस पास की सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और हम लोग ये भी जानते हैं स्टार्स के अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं जिसके द्वारा कि वो हीट प्रोड्यूस कर पाता है और वो चमकते रहता है। दोस्तों, उस न्यूक्लियर रिएक्शंस में जो एलिमेंट्स यूज होते हैं उसे हम लोग जानते हैं हीलियम। और हमारे स्पेस में हीलियम एक एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा मौजूद होता है, वो है आयरन। तो वो जो स्टार है उस आयरन को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन यहाँ पे फैक्ट यह है कि वह जो आयरन है उस न्यूक्लियर रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जिसके कारण से वह जो आयरन है वो स्टार्स के सेंटर में एक्यूमुलेट होते जाता है। और एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब न्यूक्लियर रिएक्शन की एनर्जी खत्म हो जाती है, तब स्टार्स के सेंटर की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है कि वो आपस में ही कोलैप्स होने लगता है। देन हम यहाँ से ये चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि बेसिकली एक ब्लैक होल के अंदर कुछ और नहीं बल्कि हाई मासेज ऑफ आयरन एंड कुछ हाईली मासेज हैं जो कि उतनी ज्यादा ग्रेविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि एक ब्लैक होल का फॉर्मेशन कर रहा है। दोस्तों, दिस वाज द आंसर कि आखिर एक ब्लैक होल ब्लैक क्यों दिखता है और ब्लैक होल के अंदर होता क्या है। दोस्तों, क्या आप भी इन सभी चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस चैनल पे ऐसी ऐसी वीडियोज आने वाली हैं जो कि आपको स्पेस से रिलेटेड सारी क्यूरियोसिटी को दूर कर देंगी। जाते जाते मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा कि उस साइंटिस्ट का नाम बताइए जिन्होंने यह बात कही थी कि हमारा जो स्पेस है वो एक्सपैंड कर रहा है और इसकी शुरुआत एक बिग बैंग से हुई थी। कमेंट में अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक्स फॉर